एक्शन इमरजेंसी, प्लीज आप जल्द पहुंच जाइए। नर्स खून का इंतजाम करो, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करो, प्लीज जल्दी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, आप कम से कम 1,00,000 रुपए का इंतजाम कीजिए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, जितना होगा मैं लेकर आऊंगी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बीबी जी आप कहाँ जा रही हैं? आप और दादी माँ तो बाहर गए। कहाँ गए? शहर से बाहर गए, मालूम नहीं कब लौटेंगे। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। राजा का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा राजा? हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको ऑपरेशन करना है, 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा। राजा को बचा लो, मेरे राजा को मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। ठीक है तुम दोनों अस्पताल चलो, मैं पैसा लेकर आता हूँ। चलो चलो। पागल तो नहीं हो गए हजारी प्रसाद? बेटे के जज्बात में बहकर अपने दुश्मन की बेटी की मदद कर रहा है? भूल गया जब उस कमीने मेहरा ने भरी महफिल में तुझे थप्पड़ मारा था? हजारी प्रसाद यही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का, इसे हाथ से मत जाने देना, मत जाने देना हजारी प्रसाद। बाबूजी क्यों नहीं अभी तक? परेशान ना हो बेटी, वो रुपये लेकर आते ही होंगे। ठहरो, तुम राजा से बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर राजा के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी, लेकिन पहले राजा का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए। एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती है। और राजा मेरे लिए कीमती है। तो फिर क्या चाहिए आपको? तुम्हारा मंगलसूत्र। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? पागल इतने होशहवास में बातें नहीं करते। एक सुहागन की हाय मत लीजिए, सुहागनों के आंसू विधाता की कलम की स्याही बन जाते हैं, और फिर वो जो भी लिखते हैं उसे वो खुद भी नहीं बदल सकते। इसकी हाय पता नहीं कौन सा काल बन कर लौटेगी। बकवास बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, हैवान हो। हाँ हाँ, मैं राक्षस हूँ, हैवान हूँ, लेकिन मुझे ये सब बनाया किसने? इस लड़की के कमीने बाप ने, उसने मुझे कहीं का नहीं रखा, बेइज्जत कर दिया, बड़ी महफिल में मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। लेकिन बाप का बदला बेटे से क्यों ले रहे हो? लाओ बैग, मुझे दो। खबरदार जो मेरे मामले में कभी दखल दिया तो निकल जा यहाँ से, वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। अब एक बात तू भी सुन ले, अगर तेरा पति मर गया तो दोष मुझे मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए समझ कीजिए। मैं भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन अगर राजा मेरा पति है तो आपका बेटा भी था है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन वो तुम्हारा पति बना था, और उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला था। इस हार में मेरी चीज छुपी है, इसे मुझे दे दो। इस गले का हार नहीं है, इसके काले दानों में करवा चौथ की वो तमाम रातें गुथी हुई है जब मैंने अपने पति के लिए मन्नतें मांगी थी। आप मेरी जिंदगी मांगते तो मैं आपको दे देती, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र कैसे दे दो? तुम अपने आंसू और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो बेवकूफ लड़की, मैं जा रहा हूँ। मत कीजिए, मेरे राजा को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रुक जाइए, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार। चल और अपने सुहाग की कसम खा कि आज से तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं। चल, आज से इसे मिलना तो दूर, तू उसके रास्ते में भी नहीं आएगी, इसे कुछ नहीं बताएगी कि तूने इसे मिलना क्यों छोड़ा। तुझे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम, आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं, और अगर तूने ये कसम छोड़ी तो तू राजा का मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है।
पानी लाओ। सर पानी। डैडी, डैडी मैं मर जाना चाहती हूँ डैडी। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटे मैं तुझे मरने नहीं दूंगा मेरे लाल। किसने तेरी हालत बनाई? कौन है वो? अरे अरे मेरा साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी और इस हाल में? लगता है बेचारी ने तीन चार दिन से खाना नहीं खाया, जबकि मेरा साहब के चार बड़े बड़े होटल हैं। और कपड़े, अरे अरे तन ढकने को कपड़े तक नहीं, और मेरा साहब की छह कपड़े की मिले हैं। सज्जनों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं मेरा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए आज इनको इस हाल में देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि जिस बेटी की एक सिसकी से मेरा इंडस्ट्रीज की ईंट ईंट हिल जाती थी, वो आज एक जिंदा लाश है। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मेरा साहब, अपनी बेटी की हालत पर तरस खाइए। हाँ तो सज्जनों, ये बेसहारा लड़की इश्क के चक्कर में पड़कर घर से भाग गई। फिर जैसा कि होता आया है, इसके यार ने इसको घर से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया ये मुझे नहीं पता, ये आपको मेरा साहब ही बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश, अगर कोई रिश्ता अच्छा सा तो बताइए, पैसों की फिक्र मत करिए, पैसा मेरा साहब के पास बहुत है, दान दहेज में बहुत कुछ मिलेगा भाई। अरे दहेज के लिए किसी का कोई उतारा हुआ पहने, इतने बेगैरत नहीं है हम लोग। सुन लिया मेरा साहब, अब आपकी बेटी के पास दो ही रास्ते, या तो ये खुदकुशी कर ले, या फिर जाकर किसी कोठे पर बैठ जाए। Shut your mouth, Hazar. You shut your mouth, मेरा। ये लो मेरी शॉल, और जिंदा लाश को ढक दो। जरा पुरानी है क्योंकि एक कबाड़ी और रद्दी वाले की शॉल है, लेकिन तुम्हारी बेटी की इज्जत ढकने के लिए काफी है। और ये लो कटोरा, इससे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगना। एक बात याद रखना मेरा, जो थप्पड़ दिखाई नहीं देता वो ज्यादा गहरी चोट करता है। ले बेटा दवा पी ले, ले। पहले मुझे ये बताओ कि मधु कहाँ है? जब भी मैं पूछता हूं तुम टाल जाती हो, मुझे साफ साफ बता दे क्यों नहीं कि वो कहां है, किस हाल में है, कैसी है वो? ठीक तो है ना? वो जैसे भी है मैं उसे मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, कहां है मधु माँ? तुम जानना चाहते हो मधु कहां है, किस हाल में है? तो सुनो बेटा, जिस मधु के लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो, मधु मधु चिल्ला रहे हो, वो तुम्हें छोड़कर अपने बाप के घर चली गई है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो फिर इतने दिन जब तुम अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे थे, वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने बाप के घर में ऐश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, वरना तुम्हारी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। नहीं नहीं मधु ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। डैडी वो मेरे लिए मर सकती है, लेकिन मुझे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ लड़के, वो जिसे तो अपनी अनारकली, अपनी लैला, अपनी हीर समझ रहा है, वो जिसके साथ तूने साथ फेरे लिए थे, वो जिसके गले में तूने मंगलसूत्र डाला था, वो मेरे मुंह पर मार गई तेरा दिया हुआ मंगलसूत्र। ये देख, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर मेरी जबान से ज्यादा तुझे अपनी आंखों पर भरोसा है तो जा खुद देख ले, तेरी वो मधु तुझे पहचानती भी है या नहीं, जा देख। तुम्हारे लिए फूल। आओ शक्ति। You're looking gorgeous. तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ चलो।
मुझे जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है। मधु तुम इतना गिर सकती हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम मुझे अस्पताल में मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई तो मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा बाप सही था और मेरा प्यार झूठा। तुम चुप क्यों हो मधु, जवाब दो, बोलो मधु, क्या कमी थी मेरे प्यार में, कौन सी भूल हुई थी मुझसे मधु जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। देखो राजा, बचपन से मुझे ऐशो आराम की आदत रही है और तुम्हारे साथ रहकर मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, और फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तो ना ही मुझे एक विधवा बनकर जीना मंजूर था और ना ही एक अपाहिज की पीवी बनकर। नहीं, नहीं शक्ति, जाने दो इसे, बेचारा इस वक्त होश में नहीं है। होश में तो मैं अब आया हूं, मैंने तुमसे प्यार किया है मधु और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी को बताना नहीं, वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। बापू, चल मेरे साथ, हम उस लड़की और लड़की के बाप को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा और तेरी बारात उस लड़की के घर के नीचे से ले जाऊंगा, तू देखना। अब इस लाश की अर्थी निकले या बारात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कीजिए। लो, खुद ही पढ़ लो। जिसके लिए तुम दिन रात आंसू बहाती हो वो तुम्हारा राजा सहरा बांधने जा रहा है। शक्ति, क्या हुआ? आ गया ना असलियत पर। मधु बेटे, कब तक तू यूं घुट घुट के मरती रहेगी? तेरा यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता बेटे, सारी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, भूल जा जो कुछ भी हुआ, एक नई जिंदगी शुरू कर। शक्ति से शादी कर ले। नहीं दादी, फिर ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बेटे, कैसे छोड़ दूं मैं तुझे तेरे हाल पर, बाप हूं तेरा, मैं तेरी खुशी चाहता हूं। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ। तो मुझे दूर ले चलिए, बहुत दूर। हाँ बेटे, ले जाऊंगा मैं तुझे दूर, बहुत दूर। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, आपका बेटा नहीं आया अभी तक। बस वो राजा आता ही होगा, लेकिन आपने सारी तैयारियां कर ली है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हजारी प्रसाद जी, मैंने पूरी तैयारियां कर ली, मुझे मेरा वादा याद है। राधे श्याम।
थैंक यू थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है हजारी प्रसाद जी, ये तो मामूली वर दक्षिणा है, दहेज नहीं। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए आपको इस घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो मैं ना रखने की जगह ढूंढ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, थैंक यू थैंक यू। जितना सारा पैसा मैं रखूंगा अपने पास। पैसे के लिए क्या कर रहे हैं आप? एक पागल लड़की से मेरे राजा की शादी कर रहे हैं? पागल तो सारी लड़कियाँ होती है, खुद को देखो। अगर पागल ना होती तो बेटे के सगाई के मौके पर इस तरह की अशुभ शुभ बातें करती? आपको मालूम है मेरे बेटे की क्या हालत है? घुल घुल कर वो क्या से क्या हो गया है, शराब पीने लगा है वो, पता है आपको? कल रात से घर नहीं आया, और आपको कोई परवाह नहीं? अपने बच्चे पर रहम कीजिए, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत। बकवास बंद कर, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, समझी? लास्ट टाइम जब ये कोर्ट मैंने बेचना चाहा था मिस्टर पसरीचा, तो मैंने सोचा कि 1937 आप में से मिस्टर हजारी प्रसाद कौन है? मैं हूँ, क्या बात है? ये आपके बेटे की तस्वीर है? हाँ, ये तो मेरे बेटे राजा की तस्वीर है। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लाश से चीजें मिली। नहीं, नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। तो आप खुद इत्मीनान कर लीजिए। हवलदार, बॉडी अंदर ले आओ। राजा, लाश पर आपके कपड़े कहां से आए? मैं शराब पी के बेहोश पड़ा हुआ था, तभी मेरा कोट और मेरी चीजें चुरा कर भाग गया होगा और किसी गाड़ी के नीचे आके मर गया होगा। काश इसकी जगह मैं मर गया होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। Don't touch me! लेकिन बेटा कब तार चो मुझे बेटा का, जब मुझे हाथ भी लगाया। ये सब मैंने तेरे लिए किया। मेरे लिए नहीं मिस्टर हजारी प्रसाद, मैं क्या हूं आपके लिए? सिर्फ एक बिकाऊ चीज। मुझे आप बेचने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं? शायद आपने मुझे पैदा भी इसलिए किया था, जैसे कोई कसाई बकरे को बाल पोस कर बड़ा करता है, और एक दिन उसकी बोटी बोटी बेच देता है। नहीं राजा, नहीं, तुझे तुझे गलत फहमी हुई है। झूठ बोल रहे हो। मैं सब कुछ सुन चुका हूं, आपने मधु के साथ क्या किया, उससे कौन सी कुर्बानी ली? अरे मधु तो गैर थी, फिर भी मेरी जिंदगी के लिए उसने अपने सुहाग की कुर्बानी दी। लेकिन आप, मैं तो आपका अपना खून था, आपके जिस्म का टुकड़ा। भूखा शेर कभी कभी मजबूरी में अपने बच्चों को खा जाता, लेकिन आपको कौन सी मजबूरी थी मिस्टर हजारी प्रसाद? कौन सी भूख थी?
कितनी भूखती जो अपनी औलाद को खाकर भी नहीं मिटी। बस कर बेटा बस कर। ये आंसू किस लिए मिस्टर हजारी प्रसाद? अभी कुछ ही दिन पहले आप ही ने तो कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं, कि मैं आपकी औलाद नहीं। आज मैं इन तमाम लोगों के सामने कहता हूं कि आज के बाद आप मेरे बाप नहीं। राजा। राजा बेटा कहां जा रहे हो? इस घुटना शर्म से दूर अपनी मधु के पास। घर की देखभाल करना। जी माँ जी। क्या कहाँ गए सब लोग? एयरपोर्ट। आज 4 बजे की फ्लाइट से सब लोग हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। लड़का लाल बाइक पर सिग्नल तोड़ के भाग रहा है, उसे फौरन पकड़ो। ओवर। रिसीव द मैसेज, ओवर एंड आउट। शराब पी के गाड़ी चलाते हो? सर इस वक्त में बहुत जल्दी में, मुझे फौरन एयरपोर्ट पहुंचना है। लाइसेंस दिखाओ। सर लाइसेंस तो घर पे है सर। गाड़ी के पेपर से होंगे? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं? नहीं सर। सर मुझे तो गड़बड़ लगती है। नहीं सर। ठीक है अंदर कर दो। सर मुझे समझने की कोशिश करिए, मेरा यकीन करिए, इस वक्त मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सर शट अप एंड कम विद मी, कम। ये क्या लफड़ा है, क्यों पकड़ा तूने इसका हाथ? जानता नहीं है हम गालिब है इसके साथ? मेरे फ्रेंड मिस्टर आशिक को क्यों सताया जा रहा है? सर प्लीज हेल्प मी सर, अगर मैं एयरपोर्ट वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरी वधु मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? सर ये सारे सिग्नल तोड़ के भाग रहा था। नहीं सर, लगता है मामला चोरी का है। अरे मामला चोरी का नहीं, छोरा चोरी का है। अरे जब चढ़ता है जनता पे मोहब्बत का जुनून तो खाक करेगा तेरा मेरा कानून। समझ गया सर। समझ गए ना? अभी कोई भी प्लेन एयरपोर्ट से उड़ेगा नहीं जब तक एम गालिब तुझे एयरपोर्ट छोड़ेगा नहीं। चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। कमा लंदन जाने के लिए तैयार है, यात्री कृपया विमान की ओर द्वार क्रमांक 10 से प्रस्थान करें।
एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट। सॉरी सर, फ्लाइट से जा चुकी है। माफ कर दो बेटा, ये ले और पहना दे इसे। Wow.